India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागुमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सीजीआई रमन्ना का ड्रीम प्रोजेक्ट अब बनेगी हकीकत। सीजीआई रमन्ना का नेशनल जस्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रस्ताव केंद्र ने राज्यों के पास सुझाव के लिए भेजा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने दी जजों को नसीहत, कहा न्यायाधीश तकनीकी विशेषज्ञ नहीं, अदालतों को तकनीकी अनुबंधों में दखल देने से बचना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी बाल विवाहों को अमान्य घोषित करने की याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने का भी दिया निर्देश। बॉम्बे हाईकोर्ट से नारायण राणे को मिली राहत। बंगले पर बीएमसी फिलहाल कार्रवाई पर रोक, याचिका पर सुनवाई होने दें, फिर 3 हफ्ते बाद हो कार्रवाई। India Legal presents Courts Roundup. सीजीआई रमन्ना का ड्रीम प्रोजेक्ट नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब हकीकत होने जा रहा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को सूचित किया कि सीजीआई से कोर्ट के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव मिले। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विचार के लिए भेजा गया है। नेशनल जस्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मकसद है न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर का जीर्णोद्वार करना। अथॉरिटी की कमान सीजीआई के पास रहेगी। रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को सूचित किया कि मंत्रालय को प्रधान न्यायाधीश से अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण या एनजीआई की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव मिला है। प्रस्ताव के अनुसार एनजेएआई भारत में कोर्ट सिस्टम के लिए कार्यात्मक बुनियादी ढांचे के नियोजन, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोडमैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। एनजीआई की एक शासी निकाय होगा जिसमें प्रधान न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होंगे। कानून मंत्री ने आगे बताया कि एनजीआई का प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है क्योंकि वो इस मामले पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचारों के लिए एक महत्वपूर्ण हितधारक है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने न्यायिक बुनियादी ढांचे और अदालती सुविधाओं की स्थिति पर डेटा संकलित किया है। जहां तक न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध है, मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित फंड शेयरिंग पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। ये योजना 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। अब तक केंद्र सरकार ने 8,758 करोड़ रुपए योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए हैं, जिसमें से 2014-15 से अब तक 5,314 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जो इस योजना के तहत कुल रिलीज का लगभग 60% है। सरकार ने इस CSS को 226 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल बजटीय परिव्यय 9,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 5,307 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए योजना के घटकों का विस्तार किया गया है। योजना के विस्तार और योजना में नई सुविधाओं की शुरुआत के अनुसरण में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए अगस्त 2021 को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की आवश्यकता हो। जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी रामसुब्रम की पीठ ने कहा कि अदालतों के पास राज्य की वर्तमान आर्थिक गतिविधियों के नियमों और शर्तों की जांच करने की विशेषज्ञता नहीं है और इस तरह के अनुबंधों निवेदिताओं से उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटने के दौरान इस सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। खंडपीठ ने जोर दिया, इसलिए ऐसे मामलों में अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए जो सेवाओं और परियोजनाओं को पटरी से उतार सकते हैं, जो बड़े सार्वजनिक अच्छे के लिए हैं। न्यायालय ने कहा कि यहां एक चेतावनी का उल्लेख किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक सेवा के किसी भी अनुबंध में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए सेवाओं की पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने वाला कोई अंतरिम आदेश नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि निविदाताओं को उच्च न्यायालयों द्वारा निषेधाज्ञा या हस्तक्षेप जनहित के खिलाफ है और इस तरह के हस्तक्षेप से राज्य पर अतिरिक्त लागत आती है। फैसले में कहा गया कि अदालतों को तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में हस्तक्षेप करने में और भी अनिच्छुक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। न्यायालय का दृष्टिकोण अपने हाथों में आर्वदक कांच के साथ दोष खोजने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यायालय को यह जांचना चाहिए कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया निविदा शर्तों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद है। मूल्यांकन समिति के फैसले को रद्द करने के लिए पहले प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और अपीलकर्ता को दिए गए कार्य अनुबंध को रद्द कर दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की याचिका को स्थगित कर दिया है जो कोविड-19 के कारण संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 25 मार्च 2022 को देने में असमर्थ होने के कारण राहत देने की मांग कर रहे थे। इस मामले को लेकर जस्टिस एम ए खानविलकर और साथ ही जस्टिस ए एस ओका की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया याचिका को यूपीएससी के उन उम्मीदवारों ने प्राथमिकता दी थी जिन्होंने यूपीएससी 2021 प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी और वो यूपीएससी मेंस परीक्षा में बैठने के हकदार हैं, जो 7 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक निर्धारित की गई थी। जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो यूपीएससी की ओर से पेश वकील नरेश कौशिक ने कहा कि यूपीएससी अपना हलफनामा दाखिल करेगा। याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने प्रस्तुत किया कि यूपीएससी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस समय पीठ को सूचित करते हुए कहा कि परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, ये प्रस्तुत किया गया है कि कोई गंभीर तत्कालिकता नहीं है। यूपीएससी के परिणामों को प्रकाशित करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने प्रस्तुत किया कि यूपीएससी ने पहले अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए समय मांगा था, लेकिन बीच में परिणाम प्रकाशित कर दिया। एएसपी ने कहा डीओपीटी द्वारा अतिरिक्त मौका देने पर निर्णय लेना होगा। जब एएसजी ने प्रस्तुत किया कि कोर्ट ने पहले यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की याचिका को खारिज कर दिया था तो याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि मेंस में अतिरिक्त मौके का मुद्दा पहली बार कोर्ट के सामने आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को अपने दावे से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा। महिला ने कहा कि मुस्लिम पति को दूसरी शादी करने से पहले अपनी मौजूदा पत्नी से पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जज नवीन चावला की पीठ ने महिला के वकील को यह दिखाने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहा कि शरीयत कानून के तहत एक मुस्लिम पति अपनी सभी पत्नियों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। महिला के वकील ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जहां स्वतंत्रता पूर्व मुस्लिम पर्सन लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लागू है, वहां मुस्लिम पति द्वारा दूसरी शादी या बहुविवाह को विनियमित किया गया है।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने पूछा कि ये शरीयत कानून नहीं है, ये प्रथागत कानून नहीं है, ये पाकिस्तानी कानून है, ये भारत पर कैसे लागू हो सकता है। अदालत ने आगे कहा कि हमें बताएं कि भारतीय कानून कहां कहता है कि किसी अन्य महिला से शादी करने से पहले मौजूदा पत्नी की सहमति पति को लेनी होगी। अदालत ने वकील से इस मुद्दे पर कानून और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने को कहा। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 मार्च को सूचीबद्ध किया गया। अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे उसके 11 महीने के बच्चे के साथ उसके मुस्लिम पति ने छोड़ दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान महिला ने दावा किया कि उसे पता चला कि उसका पति उसे तलाक देकर किसी और से शादी रचाने का प्लान बना रहा है। याचिका में ये मांग की गई है कि एक मुस्लिम पति की ओर से पत्नी अपनी पहली पत्नी या पत्नियों की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना और आवास की पूर्व उचित व्यवस्था किए बिना दूसरी शादी करने से रोका जाए। महिला ने कहा कि पति का व्यवहार असंवैधानिक, बर्बर, अमानवीय और भेदभावपूर्ण है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी बाल विवाहों को अमान्य घोषित करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार का रुख मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने कानून और न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग को नोटिस जारी कर उनसे इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 13 सितंबर को होगी। आयशा कुमारी नाम की एक महिला द्वारा पहले से लंबित याचिका में एक आवेदन पेश किए जाने के बाद नोटिस जारी किया गया था। आयशा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि जब वो 16 साल की थी तो एक समारोह में एक लड़के से धोखे से उसकी शादी कर दी गई थी जिसे वो घर पर आई सामान्य समारोह मानती है। ये तर्क दिया गया कि उनकी शादी कभी समाप्त नहीं हुई थी। बाद में उन्होंने 2016-18 के बीच GGSIPU से बैचलर ऑफ एजुकेशन में स्नातक किया। इसके बाद वो केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा और फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास्टर कोर्स के लिए बैठी। प्रतिवादी ने 2020 में अपने घर पर उसे अपने साथ गुजरात ले जाने का दावा किया। ये दावा करते हुए कि उसकी पत्नी है और उसकी याचिका में आरोप लगाया गया। इसके बाद वो घर से भाग गई और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे अब अपने परिवार और ससुराल वालों से धमकियां मिल रही हैं। हालांकि कोर्ट ने पहले राज्यों को नोटिस जारी किया था लेकिन बाद में ये बताया गया कि बाल विवाह को शुरू से ही शून्य बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक पार्टी बनाना आवश्यक है। कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी करने के अलावा दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। इस बीच दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि वो उसे आश्रय प्रदान करेगी। याचिका में ये भी घोषणा करने की मांग की गई है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 3(1) जो कि प्रदान करती है कि बाल विवाह को शून्य करने योग्य है, असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब जब कोरोना कम हो गया तो बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिए लोकल ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध कितना उचित है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए टीकाकरण के लिए मजबूर किया जा रहा है जो कि गैर संवैधानिक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि अब जब कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है ऐसे में बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिए लोकल ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध कितना उचित है। साथ ही कोर्ट ने राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति MS कर्णिका की पीठ ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी आई है। अब राज्य में उतनी कोरोना संक्रमण दर नहीं है जितनी 2020 और 2021 में थी। इस दौरान पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार अब भी मानती है कि मुंबई में लोकल ट्रेन यात्रा और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों पर समान प्रतिबंध वर्तमान में जरूरी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बताए कि तब क्या शर्तें थी जब कोरोना को लेकर लोकल ट्रेनों में बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिए लोकल ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध पहली बार लगाया गया था और क्या ये आज उचित है। दरअसल अधिवक्ता निलेश ओझा के माध्यम से एक फिरोज मिथी बोरवाला ने एक जनहित याचिका दायर कर 1 मार्च 2020 को राज्य सरकार को एक सर्कुलर के लिए चुनौती दी थी। सरकार के इस परिपत्र में कोरोना गाइडलाइन और सुरक्षा उपायों को बताया गया, साथ ही कहा गया कि इसे नागरिकों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पालन करना चाहिए।
इस सर्कुलर में लोकल ट्रेनों समेत सार्वजनिक परिवहन पर लगे प्रतिबंध को इस सर्कुलर में शामिल किया गया था। मिथि बोरवाला की याचिका में कहा गया कि इस तरह का प्रतिबंध मनमाना, असंवैधानिक और महाराष्ट्र सरकार द्वारा टीकाकरण को अनिवार्य बताने का अप्रत्यक्ष प्रयास है। अधिवक्ता निलेश ओझा ने प्रस्तुत किया कि आदेश के माध्यम से राज्य लाभ सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर रहा था और लोगों को उन लाभों का लाभ उठाने के लिए टीके लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में मास्क को अनिवार्य बनाने के खिलाफ भी शिकायतें की गई। हालांकि कोर्ट ने वकील से कहा कि वो अपनी दलीलें एक बार में एक मुद्दे तक सीमित रखे। हाई कोर्ट ने इसी जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। सोमवार को जनहित याचिका का जवाब देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि प्रतिबंध विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने टीकाकरण को लेकर कोर्ट को बताया कि राज्य में 8,76,00,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और 6,47,00,000 लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 16,45,000 बूस्टर डोज भी लगाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीएमसी की नोटिस के खिलाफ राणे द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया कि वो राणे के बंगले पर तुरंत कार्रवाई ना करे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया कि राणे की याचिका पर सुनवाई होने दें, अगर सुनवाई के बाद राणे के खिलाफ फैसला जाता है तो भी 3 सप्ताह तक बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर फैसला राणे के विरोध में जाता है तो इन 3 सप्ताह के भीतर उन्हें कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा। दरअसल नारायण राणे ने बीएमसी द्वारा उनके जूहू इलाके में स्थित बंगले अदीसा में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी द्वारा भेजे गए नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की है। जानकारी के मुताबिक नारायण राणे ने अपनी इस याचिका में बीएमसी द्वारा जारी की गई नोटिस को अवैध बताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान राणे की तरफ से यह दलील दी गई कि बीएमसी की तरफ से उन्हें अवैध निर्माण को नियमित करने की वक्त नहीं दिया गया, जिस पर बीएमसी के वकीलों ने यह दलील दी कि राणे एक तरह कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया, दूसरी तरफ नियमित करने की समय भी मांग रहे हैं। दरअसल मुंबई के पौश जुहू इलाके में नारायण राणे का 8 मंजिला अधीसा बंगला है। इस बंगले में अवैध निर्माण होने की शिकायत के बाद बीएमसी की टीम कुछ दिनों पहले इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पहुंची। इंस्पेक्शन की इस रिपोर्ट के बाद बीएमसी की तरफ से नारायण राणे को नोटिस भेजा गया था। 15 दिन के भीतर बंगले में हुए अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। 15 दिन बीतने के बाद जब राणे परिवार ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया तो बीएमसी ने पिछले सप्ताह दूसरा नोटिस जारी करते हुए फिर से 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा। नोटिस के मुताबिक अगर राणे परिवार खुद से अवैध निर्माण नहीं हटाता तो बीएमसी तोड़कर कार्रवाई करके उसे हटाएगी, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। बीएमसी द्वारा जारी की गई नोटिस के मुताबिक राणे के बंगले के कई फ्लोर पर अवैध निर्माण हुआ है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।